पहली और आखिरी दफा उसने एक ऐसी गेंद कराई और राहुल ड्रैविड जैसे बैट्समैन को आउट। इंडिया ने ये फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वहीं से लेकर वो ये फॉर्मूला यूज करते थे, तो इंडिया जस्ट अडॉप्टेड दैट फॉर्मूला। और मजे की बात है यही लोग कंप्लेन भी करते हैं जब इंडिया स्क्वेट रनर्स बनाते। फ्रैंकलिन रोज, मैरविन डिलन और रियान किंग जैसे लल्लू बॉलर भी जो है, शायद इनमें माइकल होल्डिंग की और कॉलिन क्रॉफ्ट की रूह आ गई है, और वो कैमरॉन कफी और अजीबो गरीब किस्म के उनके बॉलर आते थे। शाहीन अफरीदी की बॉल दुबई में ज्यादा स्विंग होती है या नहीं होती? पिचों में वो जान रही ना, गोडो में वो एग्जैक्टली तड़प तो बाकी रही नहीं है, और जो नहीं खेल रहे वो सिर्फ तड़प रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो भी तड़प रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो पैसों के लिए तड़प रहे हैं। इंग्लैंड ने तो बोल दिया कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे भाई, हम हार जाएंगे लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। तो अश्विन और जडेजा काफी हैं, दो इंडिया को तो चाहिए शामी आमी बुमराह को बोले जाओ यार मालदीव छुट्टी एंजॉय करो। मुझे जो देखने में लग रहा है 4-1 होगा सीरीज, तो सकर इंग्लैंड ख्वाब देखना भूल जाए क्योंकि बैस बॉल खेल नहीं है ये, बैस बॉल खेल के कितने 250 रन बना लेंगे। 50 रुपए का इनका बैस बॉल है और 100 रुपए की इनकी चौड़ है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत रहे हैं। इमिग्रेशन अप्लाई करी है नहीं, उन्होंने कहा था कि ये कमेंट में दूंगा, इससे व्यूज ज्यादा आते हैं। इंडिया की टीम तैयार हो गई है कि इंग्लैंड को दोबारा से उन्होंने लपेटना है अपने ग्राउंड पे, और अच्छी बात यह कि यार इंडिया में आप 5-5 मैचेस की सीरीज भी ये लोग रखते हैं, जो कि इंडिया में होना थोड़ा सा रियलिटी लगती है कि 4-3 मैचेस ही बहुत होते थे 3 मैचेस वाली सीरीज, लेकिन साथ 5 मैचेस की सीरीज है और उन सारे वेन्यूज़ को टेस्ट मैचेस मिल गए हैं जो कि वर्ल्ड कप में यूटिलाइज नहीं हो पाए थे। जालंधर है, राजकोट है, हैदराबाद और धर्मशाला के अलावा, लेकिन राजकोट, जालंधर और रांची भी है, विशाखापट्टनम भी है, रांची भी है, धोनी का शहर। अच्छा, विशाखापट्टनम में तो टेस्ट मैच नहीं होते थे, ओडीआईज होते थे ना, ओडीआईज हुए हैं, रांची में भी ओडीआई वगैरह तो हुए हैं, राजकोट में टेस्ट मैचेस वेन्यूज ही इतने ज्यादा हैं उनके पास, तकरीबन 50 तो होंगे वेन्यूज, लेकिन तो स्टेट एसोसिएशंस को भी सैटिस्फाई करना होता है, इनको एक वो देना पड़ता है यार, सबका सबका एक राइट है ना, लोकल क्राउड की भी तो एंगेजमेंट होती है ना यार, और इतना बड़ा इवेंट उनके मुल्क में हुआ है, इतना बड़ा है वो सारा, एक एरिया के हिसाब से देखो या पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये भी देखो साथ कि जब भी कोई मैच होता है टेस्ट मैचेस भी जहाँ पे भी हो जाए यार वो बिल्कुल पैक होता है, जैम पैक होता है, और अभी मौसम भी अच्छा है, और इसमें और फिर यार एक आम से टेस्ट मैच देखने का मजा भी दुबला हो जाता है ना, उसमें एक वो माहौल भी बन रहा होता है। हमने इतने ज्यादा क्राउड में मेरे ख्याल से आखिरी दफा जब खेला है तो वो इंडिया में ही खेला है या 2008 में जब हम गए आखिरी दफा, तो वो 2005 का टेस्ट मैचेस याद है ना, वो बैंगलोर वाला और वो मोहाली आखिरी दिन जो जीते थे, हालांकि मोहाली की कैपेसिटी उस वक्त मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार की थी, लेकिन फुल पैक और शोर ऐसा हो रहा होता था ना जैसे पावर आखिरी पावर प्ले के 4 ओवर 5 ओवर चल रहे हैं। अच्छा वैसे टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में भी पैक्ड होते हैं लेकिन वो फील नहीं होती, वो बड़े मुहज्जब तरीके से बैठ के यार वो पहन के वक्त दे रहे होते हैं, कॉफी का कप रख के जो है वो दो दफा हाथ यूं करके तो ताली बजाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया में जब भी अगर हमने खेला है, अब तो खैर हमने 12-15 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला, वहाँ पे आखिरी दफा तो शोएब मलिक वॉज द कैप्टन जब हम टेस्ट मैच खेलने गए थे, और दो टेस्ट मैच मेरे ख्याल से हम एक टेस्ट मैच हारे थे, एक ड्रॉ किया था, पहला ड्रॉ हुआ था, दूसरा हारे थे और तीसरा भी ड्रॉ हुआ था, मिसबाह की वो 160 रन बनाए थे एक मैच में, एक में 100 बनाए थे शोएब मलिक ने और यूनुस खान ने भी अच्छे रन बनाए। पहला मैच हम जो है अगर याद हो तो बड़ा कंपेटिटिव था और जिसमें सुहेल तनवीर ने बड़ी कोई यूनिक बॉल करके ड्रैविड को आउट किया था, बाहर निकल रही थी गेंद, वो उसका एंगल कुकड़ी कहीं पे भी निकल जाती है, मेरे से पहली और आखिरी दफा उसने एक ऐसी गेंद कराई और राहुल ड्रैविड जैसे बैट्समैन को आउट, उसने जयसूर्या को भी T20 वर्ल्ड कप में अजीबोगरीब एंगल की बॉल से आउट किया था, उस वक्त कुछ समझ नहीं थी कि वो रॉन्ग फुटिंग भी एक्शन भी है ना, आईपीएल में कितनी विकेट ली थी उसने, हां वो शुरू में उसने जो होता है ना वो कैप होती है ना उनकी सबसे ऑरेंज होती है शायद, और पर्पल कैप होती है बॉलर की, ऑरेंज बेखाल से बैट्समैन की होती है, पर्पल कैप मिली थी, उसने मैचेस भी बहुत कम खेले थे बाकी बॉलर्स के, शेन वॉन की टीम में था ना राजस्थान की, राजस्थान रॉयल जीता था 163 चेस करके फाइनल में, और लेकिन मैच में से 6 विकेटें मिली थी। मैंने एक ही आईपीएल देखा है जिंदगी में, पहला ही देखा मैंने। उसका मुझे याद है, मुझे बड़ा मैंने एंजॉय किया था, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर उसमें नहीं गए तो मेरा दिल खराब हो गया, मैंने नहीं देखा। लेकिन पिछले 17 सालों में आईपीएल जितनी भी हमने देखी है 16 सालों में ना, चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से टॉप टीम रही है, चेन्नई वो फाइनल सेमीफाइनल, सुरेश रायना, रविंदर जडेजा दोनों उस टीम में थे, और उस वक्त रविंदर जडेजा जो था ना उसको जब वो बॉलिंग कराने आता था ना सारी दुनिया के लोग उसको गाली देते थे यार क्यों गिला लिया, लेकिन यार उसको कंसिस्टेंटली खिलाया और वो इतना जबरदस्त बॉलर ने बैक भी किया और समझाया भी उसको, और युजवेंद्र चहल और कुलदीप को बनाने वाला भी धोनी,
टैंडम में बॉलिंग करते थे दोनों वो, और पीछे से जब वो गया था धोनी रिटायर हुआ है उसके बाद से उनको मार भी पड़ा ना। ये एक चीज है कि 2000 हरभजन सिंह और कुंबले के बाद से उनका स्पिन डिपार्टमेंट कभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। बड़े प्लेयर आए, अमित मिश्रा को खिलाया, प्रज्ञान ओझा को खिलाया उन्होंने, और लेकिन वो इंडिया में अपना काम करते रहे, खेलते रहे, कोई ना कोई खेलते रहे, लेकिन वो पीयूष चावला हो गया या जो भी हो गया, टेस्ट मैच तो नहीं खेला, वनडे वगैरह खेला, उनका वो एक आतंक होता था ना, वो नहीं था जो कुंबले का था कि यार ये आ गया अब तो इसने तो इसको सरवाइव कर दिया। इंडिया में तो अभी ये अश्विन और जडेजा का ठीक ठाक आता है, चलो वो तो 8-10 साल में ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जडेजा को उस नहज पे लाना और अश्विन को वहां से फिर आगे लेकर आना, और इनकी वनडे के अंदर वैसी यूटिलाइजेशन नहीं थी, और इंडिया वनडे में जो हार रहा था टूर्नामेंट, आप ये देखो ना कि यार 2017 से पहले 18 में आया है ये, 2018 के बाद इंडिया की बॉलिंग का आउटलुक ही बदल गया, क्योंकि ऊपर से अगर बुमराह शामी आउट करते हैं या अच्छी बॉलिंग करते हैं तो बीच के ओवरों में आके रुल जाता था मैच पूरा, अश्विन पिट रहा है, जडेजा पिट गया या कोई और बॉलर है वो पिट गया, कुलदीप और इन्होंने आके। लेकिन एक और उसकी वजह ये भी है कि देखो 2000 अगर आप 99 का टेस्ट मैच पाकिस्तान वाली सीरीज देखें और 2013-14 तक जब इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है, 14 सालों में इंडिया की पिचेस में वो टर्न होती नहीं थी जो कि अब होनी शुरू हुई है 2014 के बाद से, जो इनको विनिंग फार्मूला मिल गया है, उसका भी बड़ा रोल है जडेजा की डेवलपमेंट में, कि जडेजा 300-350 विकेटें, आपको पता भी नहीं होगा उसकी विकेटें कितनी है, और अश्विन की 500 होने वाली है, अश्विन की 500 होने वाली और 500 में से 400 विकेटें उसी इंडिया में, इंडिया में मुस्पर भी ज्यादा, लेकिन वही वाली बात है, चाहे ज्यादा ही 415-420, लेकिन उन्होंने अपने होम एडवांटेज यूज किया और सबको करना चाहिए यार, नेथन लाइन की नहीं हुई, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जेम्स एंडरसन की कितनी विकेटें हैं, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड की आधी से ज्यादा विकेट इंग्लैंड में, जेम्स एंडरसन का छठा टूर है ये, हाँ छठा टूर यार, उसका नाम याद नहीं आपको, एंडरसन से क्लाउडरसन हो गया था, जब क्लाउडसन तभी से ये बॉलिंग कर पाता है। तो बात यह है कि इंडिया ने यूज बहुत किया अपने कंडीशंस को टू देयर गुड इफेक्ट, कि किस तरह से हमने उसको, ये सिर्फ इंडिया ने यूज नहीं किया, इंडिया ने ये फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वहीं से लेकर वो ये फॉर्मूला यूज करते थे, तो इंडिया जस्ट अडॉप्टेड दैट फॉर्मूला और उन्होंने उसको अपने ऊपर, और मजे की बात है जिस टाइम पे वो यूज करते थे ना, देखो साउथ अफ्रीका तो करता है, इंग्लैंड में तो मतलब हर दूसरी टीम, जैसे इंडिया ने भी काफी अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया अब उस तरह से यूज नहीं कर पाता है, अब नहीं कर पाता, लेकिन हम ना करता है, और फिर टीम की 10 साल पहले तक 2015 के वर्ल्ड कप से पहले तक अगर आप देख लें तो कहाँ ऑस्ट्रेलिया में इतना पहला मैच नहीं, 2010-11 पहला मैच वो पर्थ में रखवा देते थे, बैट्समैन जो है वो वैसे ही सारे आधे हो जाते थे पर्थ के मैच के बाद, अंडर प्रेशर भी होते थे, और और मजे की बात है यही लोग कंप्लेन भी करते हैं जब इंडिया स्क्वेयर टर्नर्स बनाता है कि पहले पहली बॉल यार आप 90 कंप्लेन भी करते हैं और ज़हमत है उसकी, उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता खेलने के लिए। 90s के अंदर हम देखते थे वेस्ट इंडीज के अंदर जो टेस्ट मैचेस होते थे उसमें फ्रैंकलिन रोज, मैरविन डिलन और रियान किंग जैसे लल्लू बॉलर भी जो है वो ऐसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं जैसे शायद इनमें माइकल होल्डिंग की और कॉलिन क्रॉफ्ट की रूह आ गई है। चलो वॉश और एम्ब्रोस तो ऑल टाइम ग्रेट बॉलर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिशप भी बहुत जबरदस्त बॉलर था, लेकिन ये डिलन रोज, रियान किंग और वो कैमरॉन कफी और अजीबो गरीब किस्म के उनके बॉलर आते थे, डैरिल टफी भी याद आया मुझे, वो न्यूजीलैंड का था खैर, कैमरन कफी, वो भाई जिस तरह की वो आपको पिच याद है, इज़रा मोज़ले, वो आपको याद है वो इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच था, रोक दिया था। अब हम दो खिलाड़ी आउट हो गए थे, एक मार्क बुचर और एक एथरटन, और मार्क बुचर या बाउचर होगा इंग्लैंड के, मार्क बुचर था लेफ्ट हैंड, तो नासिर हुसैन और एलेक्स स्टीवर्ट यार गेंदे खा रहे हैं, 8-10 ओवर हो गए, 10-12 रन थे, यहाँ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कहाँ पड़ रही है, आगे पेट पे लग रही है इधर यार, वो कुछ एलेक्स स्टीवर्ट यार किस्म की, तो वो तो पिचेस अपनी बनाते थे यार वो लोग अपने हिसाब से, उस आज तक कभी नहीं याद के वेस्ट इंडीज के अंदर कभी स्पिनर ने टेस्ट मैच जिताया, किसी को याद है तो यार जब ने जिताया था, अब जिताया ना जब वेस्ट इंडीज 95 के बाद से, तो वेस्ट इंडीज की फिर हवा निकलनी स्टार्ट हो गई ना, जब ऑस्ट्रेलिया पहली दफा क्रैक कर दिया, जहर खत्म हो गया, अब क्या उनको 2017 में कुछ भी नहीं था बेचारों के पास, तो ये तो था हमेशा से, अगर इंडिया इसको यूटिलाइज कर रहा है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए यूटिलाइज, इनको तो विकेट ही बनाने नहीं आती, इनसे तो बनती ही नहीं है, ये ऐसी विकेट बनाते हैं, शाहीन अफरीदी की बॉल दुबई में ज्यादा स्विंग होती है या नहीं होती यार, पिंडी में तो डीमेरिट पॉइंट मिल गए थे हमें, और पिंडी वाले जो विकेट थी वो उसके बारे में ये कह रहे थे कि उस वो जो कराची की सड़कें उससे ज्यादा अच्छी विकेट है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ, हालांकि कराची की सड़कें काबिले जिक्र नहीं है वैसे,
उससे ज्यादा अच्छी विकेट है, यानी कि इतनी स्ट्रेट और इतनी बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल गाड़ी का सस्पेंशन शीशे वालों के महल बन गए कराची की सड़कों का ये हाल है। और कितने रन खाए थे? 504 पहले दिन, एक दिन में 500 रन। हालांकि पिंडी की पिच पे 90s के आप स्पेल निकाल के देखो, वसीम भाई का, वकार का, इवन डोमेस्टिक में भी देख लें आप अच्छी खासी विकेट निकलती है। पिंडी की विकेट सबसे अच्छी हो जी थी बॉलिंग के लिए, सबसे अच्छी विकेट। अब ना पिचों में वो जान रही, ना गोडों में वो जान रही। एग्जैक्टली, वो एक शेर है ना कि ना वो इश्क में वो तड़प रही, ना वो खम है ज़ुल्फ़-ए-याज़ में, समथिंग लाइक दैट। ग़ज़नवी में तड़प रही, ना खम है ज़ुल्फ़-ए-याज़ में, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। तो ये तड़प तो अब बाकी रही नहीं है, और जो नहीं खेल रहे वो सिर्फ तड़प रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो भी तड़प रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो पैसों के लिए तड़प रहे हैं। नहीं यार, अकलमंद आदमी दूसरों को देख के सीखता है, नसीहत लेता है, खुद सीखता है और फिर उसको अप्लाई करता है। और बेवकूफ़ आदमी वही गलती बार बार करता है, ठीक है, और 3 T20 में 200 रन खा लेते हैं। अभी इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन किसी बोर्ड को भी लिखा था ना कि क्यूरेटर भेजें अपना ट्रेनिंग के लिए, हमारे क्यूरेटर्स की। अभी नहीं, तो काफी पुरानी बात है। नहीं, अभी रिसेंटली हुआ, दोबारा उन्होंने बोला। वो प्रोसेस उनका चल रहा होगा, लेकिन ये काम तो इन्होंने 16 से शुरू किया भाई, 15 या 16 से शुरू किया। ट्रेनिंग नहीं हो पाई, लेकिन तब तो मैचेस ही नहीं हुए पाकिस्तान में। इससे बेहतर तो क्यूरेटर्स वही थे जो 80s में विकेट बना लेते थे, जो स्पिन भी होती थी, जिसमें आउट भी करते थे, और सब कुछ होता था। पाकिस्तान की विकेट कभी भी इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट हो, नहीं कुछ थी फैसलाबाद तो फारिग है, वेन्यू जब आप चेंज करते हैं तो उसकी ब्यूटी यही होती है। भाई इतनी भी फारिग नहीं होती थी, फैसलाबाद की फारिग विकेट पे भी अच्छी बल्ली रिवर्स स्विंग होती थी, जिसको रिवर्स स्विंग आती है ना, वहाँ पे भी आउट करता था। शोएब अख्तर ने 2005 के अंदर फैसलाबाद में कितने आउट किए थे? इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के, वो जो स्लो बॉल सीखी थी उसमें, नहीं नहीं फैसलाबाद था वो, फैसलाबाद टेस्ट में भी आउट किया, एक मुल्तान में मैच हुआ था, मुल्तान फैसलाबाद और कराची, काफी विकेट लिए थे उसने, बहुत आउट किया यार उसने, स्लो बॉल सीखी थी सब, नहीं बहुत बोल्ड किए थे उसने, बोल्ड भी किए उसने, तेज पे रिवर्स पे आउट किए, समी ने आउट किए थे, शब्बीर अहमद ने किए थे आउट, तो जो कहता था देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर इन द विकेट, यस, तो वो मॉइस्चराइजर निकल गया था ना। फैसलाबाद की विकेट कोई मतलब ऐसी फारिग भी नहीं थी के उस पे आउट ही नहीं होता था। अब तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। खैर अभी पहला मैच हैदराबाद में है, और केविन पीटरसन का भी बयान आ गया था कि आई कैन बेट माय बैक साइड के भाई ये पहली बॉल से स्पिन होगी बॉल, तो अक्षर पटेल अटैक कराएगा ना। हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड ने तो बोल दिया कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे भाई, हम नहीं कंप्लेन, हम हार जाएंगे लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। इंग्लैंड मेरे ख्याल से 4-1 हार जाएगा, क्योंकि ड्रॉ का कोई चांस होना नहीं है, ड्रॉ तो होना नहीं है, 4-1 एक भी जीतेगा इंग्लैंड मुश्किल है। बेन स्टोक्स है, एक आध मैच जीत सकता है, वो भी एक आध। धर्मशाला भी, बेन स्टोक्स का डंग भी थोड़ा कम हो गया, धर्मशाला में शायद कुछ इनको टेराइन की वजह से सपोर्ट मिल जाए। बेसबॉल तो खेलेंगे यार वो लोग, क्योंकि उनका वही स्टाइल है, जैक क्रॉली और वो ओपनर आएंगे, डकेट तीसरा आएगा, ओली पॉप, जितनी बॉल स्पिन हो रही होती है ना, डेढ़ का स्टार्ट होगी, इतना ही खेलना पड़ेगा, रन तो आएंगे कम से कम। रिवर्स स्वीप मारता रहेगा वो तो, अपना रहेगा, कभी राइट मारेगा, कभी लेफ्ट मारेगा, राइट मारेगा, लेफ्ट मारेगा, ये चलेगा उसका। तो स्पिन होती है तो स्क्वायर ऑफ द विकेट ही खेलते हैं ये। हाँ, तो फर्क exactly। और ये लोग खेलते भी वैसे ही। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब मैच हुआ था, 3 टेस्ट मैचेस, 504 रन बनाए थे पहले इनिंग में, उसके बावजूद पाकिस्तान पांचवें दिन तीसरे सेशन में सिर्फ उसको 86 रन चाहिए थे और पाकिस्तान जीत जाता, और उसकी 4 से 5 विकेटें बाकी थी। अजहर अली इंजर्ड होकर वापस आके खेल रहा था, आगा सलमान और ये सब कुछ प्लेटफॉर्म सेट था, लेकिन हम नहीं जीत पाए। सेकंड टेस्ट मैच भी हम जीतते जीतते हार गए, जो हमें 70 रन चाहिए थे, कॉन्ट्रोवर्शियल डिसमिसल हो गया। तो हम तीनों मैचेस में आगे आगे थे उनसे, इतना बेसबॉल होने के बावजूद भी तो इंडिया तो अपने ग्राउंड पे छोड़ेगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके खेलते हैं। बेसबॉल पे आप बैटिंग कर रहे हो ना, स्पिनर कौन है इंग्लैंड के पास जो 20 आउट करेगा उनके? इसी वजह से तो इंडिया जीतेगा। इधर तो अश्विन और जडेजा काफी हैं, दो इंडिया को तो चाहिए शामी बुमराह को बोले जाओ यार मालदीव छुट्टी। एक ही बॉलर अच्छी बॉलिंग करता था इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड का, वो था मोइन अली, एक ही स्पिनर था, निकालता था सिर्फ इंडिया के खिलाफ। जो इंग्लैंड का सबसे स्पिनर अच्छा रहा है ना पिछले 25-30 सालों में जो मैंने देखा, वो था मोंटी पनेसर। अरे वो तो था ना, सही है। इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया में जो तंग किया है ना, वो उसी वक्त किया है जब ग्रैम स्वान, मोंटी पनेसर ये लोग खेल रहे होते थे। उसके बाद ये जैक लीच 130 रन दे के 3 आउट, टॉड मर्फी नहीं गए ना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का, एक ही जैसे हैं ये सारे, तो वो होम्योपैथिक से, ये तो बिल्कुल सादा खुशबू किस्म के स्पिनर है इनका लावारिस। तुमसे ना हो पाएगा,
नहीं ये वही है बस गुजारा है। नए नए दो तीन खिलाड़ी हैं वो तो हमें पता भी नहीं है नाम, जैसे रेहान तो एक दफा टेस्ट मैच खेल चुका है वो भी ऑब्वियसली नोविस है टेस्ट क्रिकेट में। ये चार विकेट निकाल लिए वो जो जैक लीच है ये वो तो मतलब अब उसको देख के लगता है कि कोई प्रिंसिपल साहब आ गए कॉलेज के, उसकी प्रेजेंस से मिलती है वो सही कह रहे हैं आप समझ गए वो लोग जो है वो कैप्शन में लिख भी देंगे उसको। भाई मेरे हिसाब से तो मुश्किल है कि सीरीज तो अगर इंग्लैंड ख्वाब देखना भूल जाए सही है, क्योंकि बेसबॉल खेल नहीं है ये, बेसबॉल खेल के कितने 250 रन बना लेंगे 270 बना लेंगे कितने बनाएंगे। जैसे 5 टेस्ट मैचेस हैं इनको 10 इनिंग्स खेलनी है, बैटिंग इनिंग्स 10 खेलनी है इनको, कितने कितने दफ़ा बेसबॉल चल जाएगा इनका। बेसबॉल इनका एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो 300-350 रन पे ही फंस जाते थे फ्लैट विकेट्स पे, और ये फिर वो तो खैर हमारी कम अकली थी और कम अहली थी कि हम नहीं बना पाते थे, कमजोर थी हमारी। इंडिया की बैटिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, और अगर ये कोई बहुत ही ज़्यादा तीर भी मार लेंगे ना तो मुझे लगता है कि जो टोटल टेस्ट मैचेस हैं उसमें 4-1 से एक शायद टेस्ट मैच जीतेंगे। एक इनका और भी मसला है ना, 50 रुपये का इनका बेसबॉल है और 100 रुपये की इनकी चौड़ है। हाँ, सही है, ये 300 रन पे जो इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं बेसबॉल से बनाए या कैसे भी बनाए कैसे जीते इन, इनकी जो चौड़ है ना अभी जरा हिली हुई है थोड़ी सी, ये अभी वर्ल्ड कप में भी जलील होके आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज में भी कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है, सीरीज हार गए भाई। ठीक है, हाँ सीरीज हार गए ये लो बीच की चौड़ थोड़ी कम हुई है, हारने से डर थोड़ी लगता है इनको, जो जो वर्ल्ड कप से डर नहीं लगता ना, टाई से वर्ल्ड कप खेला है इन्होंने, खेलेंगे हम ऐसी एक मैच भी ना जीते, आखिर में पाकिस्तान ने अपने पुराने ताल्लुकात का ख्याल रखते हुए इंग्लैंड को एक मैच जिता दिया। इंडिया एशेज भी ये लोग इस वजह से हारे, कौन सी एशेज में डिक्लेरेशन जो इन्होंने करी थी ना ये उसके चक्कर में हारे, यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये इनका था भाई एक 15 ओवर नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा अनलकी भी रहे ना, अनलकी तो रहे लेकिन एक टेस्ट दो टेस्ट मैच जीत गए, इतने थिन मार्जिन का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था यार। देखो एक टीम एक तरीके से खेल रही है, हम लोग तो खैर थोड़े से हो गए ना डिफरेंट, हम तो जब तक 11वां भी आउट नहीं हो जाता, मतलब 10 पे तो आउट ही होती है टीम, लेकिन हम तो चाहते हैं कि एक और भी खिलाड़ी आ जाए। उनका एक स्टाइल था, देखिए उनका एक स्टाइल है जिससे शायद अब कमेंटेटर आगे मैच जिता दे, तो हमने तो 394 पे 8 पे हम जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके बाद भी 255 उन्होंने आखिरी जो घंटा था पैट कमिंस ने निकाल दिया 50-60 रन की पार्टनरशिप करके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए, कैच छोड़ दिया फ्लिंट उसने स्टोक्स ने, तो ये सारे हालात हो गए तो भरे बिहाइंड साइड में याद आता है यार वो डिक्लेयर हो गया। चलो खैर, 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है और 1 टेस्ट मैच में 2 दिन बारिश हुई है जिसमें वो सिर्फ जीतने वाले थे, 2 दिन बारिश होना 180 ओवर वाइप आउट होना बहुत बड़ी बात थी। एनीवे कमिंग बैक, इंडिया यहाँ पे एक मैच शायद इंग्लैंड कुछ उसमें कर पाए क्योंकि वो भी ये होता है ना, आप अच्छा खेलते हो दूसरी टीम उसमें खराब खेलती है तो कुछ जाके मार्जिन बनता है, वरना बहुत मुश्किल अच्छा, है। इस सीजन में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है इंडिया में, नहीं वो ड्रॉ होगा भी नहीं, सही है, एक दिन में 20-20 तो हो जाते हैं वगैरह में शायद हो जाए तो हो जाए, बाकी जगह तो ऐसे इस सीजन में हो सकता है कि फास्ट बॉलर एंडरसन वगैरह का थोड़ी सी स्विंग मिल जाए। ओ भाई इस सीजन में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन गर्मी में तो खैर बिल्कुल ही कोई चांस नहीं होता ना, इसमें मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अब डिपेंड करता है जहां जहां मैचेस हैं वहां पे क्या सिचुएशन है, अगर एंडरसन बॉल स्विंग नहीं कर रहा ना तो किसी की नहीं होने वाली, स्विंग की बात कर रहा हूँ, एंडरसन बॉल स्विंग करे ना करे एंडरसन एंगल भी बना लेता है, एंडरसन लेंथ पे भी फंसा लेता है, लेकिन मसला ये नहीं है बॉस, मसला ये है कि एंडरसन 80 ओवर नहीं कराएगा, 80 में से 20 ओवर कराएगा, सही है, बाकी जो 60 ओवर है वो कौन कम वुड नहीं है, वुड का वुड को अगर ये वर्ल्ड कप खिला लेते ना तो भी पता चल जाता वुड का, यानी वुड कोई अच्छा इस्तेमाल अच्छा करते हैं इन्होंने, शॉर्ट स्पेस में कराते हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है वुड को, बड़ा बॉस उनका गेम अलग है वहाँ पे, इंडिया के अंदर इंडिया की गेम अलग है, पेस जो होती है ना बॉडी पे जब बॉल मारते हैं आके, उसको 4 ओवर देते हैं ये लोग, उसे कहते हैं भाई विकेट ले, भाई जब वो राजकोट की पिच पे बॉल कराएगा ना तो वो वही बॉल उठा के अपने सर पे भी मारेगा, वो पता है किस किस्म की पिच है वो, नहीं स्किट करेगी बॉल को वहाँ पे, नहीं बहुत जोर से मारता है। चलो उनके पास एक बॉलर ये है कि घुटने से ऊपर बॉल नहीं आती है वहाँ पे, ओनली टाइम विल टेल के कितना इफेक्टिव होता है वो, वुड के लिए ये जरूर है कि टेल एंडर्स वगैरह कभी अटक जाते हैं तो उनके टेल एंडर्स की क्लीनिंग के लिए बड़ा एक पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले इंडिया के टूर्स में चेतेश्वर पुजारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका वो था बैटिंग के अंदर, अजिंक्य रहाणे भी एक मैच विनिंग इनिंग एक सीरीज के अंदर जरूर खेलता था, 80 रन की हो 100 रन की हो 70 रन की, अजिंक्य रहाणे ज्यादा अवे बहुत अच्छा खेलता है, अवे भी खेलता था लेकिन वो एक बड़ा एक ग्रिटी किस्म का प्लेयर था वो, बहुत
बहुत ज्यादा जो है ना वो दिमाग उससे ना बड़ी ड्रेविड वाली फील आती है मुझे। हां अजिंक्य रहाणे से ना बड़ी ड्रेविड पुजारा से आती थी वैसे पुजारा मुझे ड्रेविड से उसके आ रही रहाणे पुजारा से लक्ष्मण वाली फील आती थी वो तो ख्वार कर देता था बिल्कुल रोक रोक के 200 बॉलें 70 रन 60 रन लक्ष्मण खेलता वो प्यारा लगता था ना पुजारा जो है वो लक्ष्मण बहुत स्टाइलिश था बहुत स्टाइलिश लक्ष्मण बाद में स्टाइलिश हुआ है 98 99 में लक्ष्मण को खेलते हुए देखते थे तो अच्छा नहीं लगता था उस वक्त लक्ष्मण ने कुछ मसल्स वगैरह बन जाते हैं ना प्लेयर्स के तो उनकी थोड़ी फ्लूइड भी हो जाती है मोशन तो वो अच्छा लगना लक्ष्मण अच्छा लगना शुरू हुआ है 2003 से 2003-04 से जब उसको वनडे में भी खिलाया था ना ऑस्ट्रेलिया में लेकिन खैर जिस वक्त उसने 281 जब बनाए थे अच्छे क्लासिक बनाए थे ऐसे ही खेलता था यार वो स्टाइल जैसे उसके बाद ज्यादा बल्कि 99 में मुझे याद है जब इसने 70 रन बनाए थे 167 जो बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना तो वहां से उसने झलक आ गई थी ऑस्ट्रेलिया में उसकी बड़ी शानदार बैटिंग है भाई और ऑस्ट्रेलिया में उसने वनडे में वो जो ये इंडिया फाइनल में पहुंचा था वीबी सीरीज के उसमें एक मैच मुझे याद है कि इनके 30 या 40 रन पे 4 आउट हो गए थे ऊपर के सारे आउट हो गए ड्रेविड भी आउट हो गया तेंदुलकर भी आउट हो गया सहवाग और गांगुली सारे आउट हो गए थे इसने और युवराज सिंह ने एक मैच में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बड़ी लंबी बैटिंग करी थी उस वक्त जिम्बाब्वे की बड़ी तगड़ी ये वाला मैच मुझे याद आ गया इस वाले मैच में युवराज ने 100 भी किया 100 भी किया था 130 दोनों ने सेंचुरी करी थी और एक मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इसी सिचुएशन से मैच निकाला था तो और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल खतरनाक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी पाकिस्तान में आगे इसने 100 बनाई है वनडे में मसला ये है कि भाई पुजारा रहाणे नहीं है कोहली भी नहीं है इंडिया क्राइसिस लो वाले लोग नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेगा अगर हो गई तो इनमें आई थिंक मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल सपोर्ट करेगा बहुत मेजर रोल होगा उसका केएल रामगोपाल अय्यर भी है और ऋषभ पंत टाइप का भी कोई कैरेक्टर नहीं है जो और वो दूसरा कौन सा था प्लेयर वो जिसने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल रुला दिया था रोक रोक के बॉलें हनुमा विहारी और एक वो भी था वॉशिंगटन सुंदर ये लोग भी पता नहीं है मेरे ख्याल से नहीं है चार स्पिनर हैं इनके पास कुलदीप यादव अक्षर पटेल बॉलिंग में तो भाई जडेजा अश्विन अब जडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक खेलेगा और अगर अश्विन यादव और ये जडेजा तीनों खेल गए तो फिर 150 रन भी नहीं बनाता इंग्लैंड तीनों खेल गए और बैटिंग में कौन करेगा काम कर गए बैटिंग में ऊपर से रोहित शर्मा करेगा थोड़े बहुत यार रोहित शर्मा तेज रन अगर टेढ़ी मेढ़ी पिच होगी ना आड़ू कोई पिच होती है तो रोहित शर्मा तेज 50-60 रन बना देगा ना ये भी काफी है नहीं सर जैसे पिच भी हो रोहित शर्मा ने तो कूटना ही है नहीं तो सीधी पिच मिल गई तो डबल सेंचुरी बना दे लेंथ से पहले 100 टेस्ट मैचेस देखेंगे और दूसरा ही के जसवाली खेलेगा ना लेफ्टी जो है जसवाल खेलेगा बैट्समैन खेलेगा यशवी जसवाल अच्छा बैट्समैन बहुत जबरदस्त बैट्समैन शुभमन गिल से अच्छा बैटर शुभमन गिल वन डाउन है और अभी उमेर जसवाल का कजन है ये उमेर जसवाल के साथ बुरी बात हुई और फिर उसके बाद हम घूम के शुभमन मलिक पे आने वाले थे लेकिन टीम हमको पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं जसवाल पे जसवाल के बाद ये तीसरा शुभमन गिल है चौथा अय्यर चौथा अय्यर ही खेलेगा अय्यर है चौथा पांचवा केएल राहुल है यही मतलब 4-5 उसके बाद विकेट कीपर आ जाएगा आपका वो तो वो कौन सा वाला भी एक मैच हरवाया था इतना गुस्सा आ रहा था उसको देख के यार कौन सा विकेट कीपर था के श्रीकर भरत जो है ना भरत खेलेगा उसके वो भरत तो वो भरत को नहीं खिलाया राहुल से करा देंगे कीपर भरत ने करवा दी थी गलत गलत करा दी थी राहुल को करा देंगे कीपर को तो राहुल है वरना फिर वो जो यार अश्विन भी अच्छा खेल रहे शुभमन गिल को भूल गए आप नहीं वन डाउन है तब आप उमेश जायसवाल के पीछे थे प्राइमरीली मुझे जो देखने में लग रहा है 4-1 मुझे भी लग रहा है 4-1 ही 4-1 होगा मैक्सिमम 5-0 या 4-1 इंडिया की है अब ये 3-2 पर आती है या 4-1 पे आती है डिपेंड करता है हो सकता है एक आध कोई मैच ड्रॉ हो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत रहा है इमिग्रेशन अप्लाई करी हुई है नहीं उन्होंने कहा था कि ये कमेंट में दूंगा इससे व्यूज ज्यादा आते हैं